नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा। रियलमी ने फाइनली भारतीय बाजार का पहला 5G स्मार्टफोन X50 Pro पेश कर दिया है। जी हाँ, इससे पहले IQ ने अनाउंस किया था कि वो भारतीय बाजार में सबसे पहले अपना 5G स्मार्टफोन लेके आएगी, लेकिन नहीं, रियलमी को ये बात कहाँ रास आई। कंपनी हमेशा चाहती है कि कोई भी पहली एक्टिविटी हो तो वो रियलमी की तरफ से हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो प्रोसेसर हो, या फिर 5G ही क्यों ना हो। तो कंपनी ने अब 5G स्मार्टफोन IQ 3 से एक दिन पहले अनाउंस कर दिया है। ये फ़ोन हमारे पास आ चुका है और आज वीडियो में मैं आपको इसका गेमिंग टेस्ट दिखाने वाला हूँ। इस गेमिंग टेस्ट के बाद मैं आपको इसका बेंचमार्क स्कोर भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए देर नहीं करते, सीधे सीधा गेम की ओर रुख करते हैं और पबजी गेम को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मैंने पबजी गेम स्टार्ट कर दी है। गेम स्टार्ट हो जाए उसके बाद मैं टाइमर ऑन कर दूंगा। ये गेम मैं लगभग हाफ एन आवर के लिए खेलूंगा, जिसमें मैं आपको गेम के इन एंड आउट्स बताऊंगा, साथ साथ मैं हीटिंग इशू भी इसका आपको बताऊंगा कैसा है, और उसके बाद मैं बैटरी का जो ड्रेनिंग होगा परसेंटेज वो भी आपको ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पे फाइनली गेम लोड हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट हाई है। ऑब्वियसली बात है कि हाई ही रहेंगे। 865 चिपसेट दिया है, इंडिया का पहला 865 चिपसेट वाला स्मार्टफोन है। सिर्फ एक दिन से ये पहला 865 चिपसेट वाला स्मार्टफोन बन चुका है। मैं ओके कर देता हूँ, गेम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले सेटिंग में जाके हम ग्राफिक्स देख लेते हैं। अल्ट्रा HDR मोड इसमें नहीं चलता। यहाँ पे आप इस बात को ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि 865 होने के बावजूद भी यहाँ पे कमिंग सून लिखा है, पर ये गेम की प्रॉब्लम है। गेम ने अभी तक ये फीचर एक्टिवेट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर कमिंग सून दिखाई दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पे HDR करता हूँ और अल्ट्रा पे क्लिक करता हूँ और आपको बाकी सेटिंग दिखा देता हूँ कि सब कुछ रेगुलर है, कुछ भी अलग से नहीं इसमें फीचर दिया गया। सॉरी, थोड़ा टच का प्रॉब्लम हो रहा था, वो मेरे हाथ थोड़े से वेट हैं इसलिए टच की दिक्कत दिख हो रही थी। फ़ोन में दिक्कत नहीं टच की वैसे। और HDR और अल्ट्रा मैंने सेटिंग्स कर रखी हैं। ओके कर देता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से हम टाइमर को भी ऑन कर देते हैं। जो टाइमर ऑन कर दिया और क्लासिक एयर एंगल हो रखी है, इसको मैं 1% कर देता हूँ। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बैटरी दिखाता हूँ कितनी परसेंटेज है। 100% बैटरी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, टेम्परेचर देख लेते हैं, क्योंकि फोकस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसलिए आपको ठीक से देख नहीं पाएगा, इसलिए नीचे रख देता हूँ फ़ोन को। 31% टेम्परेचर हो रखा है फिलहाल इस एरिया पे। 31 से ऊपर जा रहा है, 31.56 जा रहा है इस एरिया में, स्क्रीन के एरिया में 31 के आसपास परसेंटेज है टेम्परेचर का। और अगर हम बैक पैनल पर देखें, इनफैक्ट कैमरा के पास देखें, तो 29 ही टेम्परेचर इसका जा रहा है। तो बैक पर 29 के आसपास है, 29 प्लस है, और पीछे 29 प्लस के अलावा आगे देखेंगे तो 31 प्लस है। टाइमर चल रहा है अभी, 100% बैटरी है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो देख सकते हैं कि 2 मिनट पे गेम स्टार्ट करेंगे हम। एंगल सिंगल प्लेयर, गेम स्टार्ट। ग्राफिक्स में दिखाई चुका हूँ कि हाईएस्ट पॉसिबल हैं, फिर भी दिखा दूंगा इसके बाद में। तो 2.5 मिनट की गेमिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2.5 मिनट के बाद हम टाइमर काउंट करेंगे। पर बैटरी का तो मेजरमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन तो मैं लगातार यूज़ कर ही रहा हूँ। जब तक गेम स्टार्ट नहीं होती तब तक मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। ग्राफिक्स देख सकते हैं कि HDR और अल्ट्रा पे है, अल्ट्रा HDR पे ये नहीं जा रहा है। वहीं बात करें इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको बता दूं कि ये पहला फ़ोन है विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट। साथ साथ इस फ़ोन के कंपनी ने 3 वेरिएंट्स पेश किए हैं, 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज, 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज, और 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज। इस फ़ोन में आपको 4200mAh की बैटरी मिलती है और 65W की चार्जिंग स्पीड के साथ ही आता है। और मेरे पास कौन सा मॉडल आया है मैं वो आपको दिखा देता हूँ, जब तक गेम पीछे लोड हो रही है। मेरे पास आया है 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वेरिएंट। बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा नहीं चल रही जिससे बैटरी ड्रेन होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए गेम स्टार्ट होने वाली है और अब लुत्फ लेते हैं गेम का और एक्सपीरियंस करते हैं कि ये प्रोसेसर कैसा है। फिलहाल आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि 865 है और ग्राफिक्स सारे हाई कर रखे हैं, तो डिटेलिंग की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही इसमें। सब कुछ एकदम डिटेल्ड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिस्टिंक्शन दिखाई दे रहा है पेड़ में, बिल्डिंग्स में हल्का हल्का छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। साथ साथ कलर्स भी आप देख सकते हैं कि मिट्टी का कलर अलग है, ग्रीनरी अलग है। और अगर मैप भी हम खोलें तो यहाँ पे भी आपको डिटेलिंग दिखाई दे रही है, सॉफ्ट नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि कम ग्राफिक वाले फ़ोन में जब गेम खेलते हैं तो काफ़ी जगह सॉफ्ट एरियाज दिखाई देते हैं, इसमें ऐसा सिनारियो नहीं है। ऊपर आप देख सकते हैं कि स्काई एकदम डिटेल्ड है, डायनामिक रेंज कितनी अच्छी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि
और आपने एडिट किया हो फोटो को क्लिक करके, बादलों में डिटेलिंग दिखाई दे रही है, कुछ एरिया ब्लैक है, कुछ वाइट है, और यहाँ पे भी आपको ब्लू एरिया दिखाई दे रहा है। नीचे आप देख सकते हैं कि सब कुछ अभी से ही दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि हाई ग्राफिक्स हैं तो सब कुछ विजिबल होना शुरू हो गया है। ऑलमोस्ट फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और बता दूं कि अभी गेम स्टार्ट ही हुई है कि हल्का हल्का हीटिंग इशू फेस कर रहा हूं मैं। गेम बहुत ही स्मूथ चल रही है, कहीं पे भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं एकदम मक्खन स्मूथ परफॉर्मेंस है, ज़रा सा भी जिटर नहीं है कहीं पे भी गेम में। तो 865 का ये फ़ायदा तो है कि हाई एंड प्रोसेसर होने की वजह से पबजी गेम आप ऐसे खेल पाएंगे जैसे आप समझे एक कंप्यूटर पे खेल रहे हो या एक कंसोल पे खेल रहे हो। लैग इशू ज़रा सा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम मक्खन स्मूथ परफॉर्मेंस इस फोन से आपको मिलने वाली है। हालांकि मैं बहुत प्रो गेमर नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ कि ठीक ठाक गेम खेलूँ और आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकूँ। 10 मिनट की गेमिंग हो चुकी है, इसमें से हम 2.5 मिनट माइनस करें तो 7.5 मिनट मान लीजिए, और 11 मिनट हैं मतलब, तो 8.5 मान लीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम चल रहा है साथ साथ। ये कोई दिखा, ये बॉट नहीं था क्योंकि बॉट ऐसे एम लगा के नहीं मारता है। चलो फाइनली एक स्कोप मिल गया है मुझे। अगर आपको मेरे गेमिंग रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आगे से अब हर वीडियो में हर फ़ोन के साथ आपको एक गेमिंग रिव्यू दिखाऊं। मैंने पहले भी कोशिश की थी कि रियलमी C3 का गेमिंग रिव्यू दिखाया था, एंड आई कंपेयर दैट फ़ोन विद शाओमी रेडमी 8, और कोशिश करूँगा कि आगे भी गेमिंग रिव्यू दिखाऊं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा यार। आप लोगों को मेरे दूसरे वीडियो पसंद आते हैं, आप लिखते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि टाइमली सभी वीडियो बना सकूं। लूट मैंने काफ़ी कर ली है, अब हम थोड़ा सा डिटेलिंग की बात करते हैं। मैं यासनाया में हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हमेशा एक ही लोकेशन पर आऊँ और आपको बिल्डिंग्स के बारे में दिखाऊँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्सचर कितना बढ़िया से दिख रहा है इस बिल्डिंग पे जो हो रखा है, वॉल का टेक्सचर है देख सकते हैं आप। कोई ग्राफिक वाइज एरर नहीं है इसमें और होना भी नहीं चाहिए, 865 चिपसेट है और हाईएस्ट सेटिंग पर चल रहा है ये, तो दाग धब्बे आपको ठीक से दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। अब जरा हम शेडोज़ की बात करें तो अगर मैं ग्राफिक्स कम करता हूँ, से सपोज़ हम एक कम ग्राफिक वाले फ़ोन में गेम खेल रहे हैं, मैं इसके ग्राफिक करता हूँ मीडियम और बैलेंस, और यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डिटेलिंग और टेक्सचर में। उल्टा कम ग्राफिक करने पर ये लैग मार रही है गेम, आप देख सकते हैं, देखिए जिटर मार रही है गेम कम ग्राफिक करने पर, और दीवार पे टेक्सचर भी ख़राब सा हो गया है, डिटेलिंग भी कम हो गई है। यहाँ पे खुद दिखाई दे रहा होगा आपको, जरा आप खुद गौर से देखिए। मैं फ़ोन को इतना फ्रंटल कर देता हूँ और अब दोबारा एक बार फ्रंटल करके मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ प्लेयर को। देख सकते हैं जिटर मार रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेलिंग देखिए, लेकिन अब जब मैं ग्राफिक्स को हाई करूँगा, मैंने हाई कर दिया और डिटेलिंग खुद देखिए कैसे इम्प्रूव हो चुकी है, एकदम बढ़िया ग्राफिक हो गए हैं इसके, और अब जिटर भी नहीं मार रहा। मतलब उल्टा ही हुआ है कि कम ग्राफिक करने पर जिटर मार रहा है और हाई ग्राफिक पर नहीं मार रहा। थोड़ा सा यहाँ पे ये नुकसान है कि कम ग्राफिक जिटर मार रहा है, क्योंकि बाई चांस आपको बैटरी सेव करने के लिए कम ग्राफिक पे खेलना पड़े तो थोड़ा सा लैग देखने को मिल रहा है कम ग्राफिक मोड पे। फ्रेम्स की वजह से हो रहा है कि फ्रेम बहुत कम कर रखे हैं मैंने, इसलिए ऐसा हो रखा है, फ्रेम रेट कम हो चुका है। क्योंकि एक बार फ्रेम रेट को अल्ट्रा पे करते हैं और फिर देखते हैं, हाँ शायद फ्रेम की वजह से था, तो कम फ्रेम पे थोड़ा सा लैग देखने को मिल रहा है। अगर आप सस्ते फ़ोन देखेंगे जो कम रेंज में आते हैं, उनमें कम फ्रेम रेट पे ऐसा जिटर नहीं देखने को मिलता, बल्कि गेम स्मूथ चलती ही है उनमें। कोई प्रो प्लेयर हो तो बताएगा मुझे कि यासनाया में गाड़ी कहाँ रखी होती है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं ऐसे फंसूँ तो मैं जाके गाड़ी लेके आ जाऊँ वहाँ पे। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पे गेम आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 25 मिनट गेमिंग हो गई है, अगर हम 2.5 मिनट स्टार्टिंग के माइनस कर दें, और बैटरी ड्रेन हुई है पर इतनी ज़्यादा भी नहीं कि हम इसको ख़राब फ़ोन कह सकें, बहुत ही डिसेंट अमाउंट की बैटरी ड्रेन हुई है और इतना तो एक्सेप्टेबल है आधे घंटे गेमिंग के लिए। और ये रहा मेरा चिकन डिनर, और आप देख सकते हैं कि पूरे 30 मिनट की गेमिंग के बाद ये चिकन डिनर मुझे मिला है। तो टाइमर को यहाँ स्टॉप कर देते हैं और फटाफट से मैं बैटरी परसेंटेज और टेम्परेचर देख लेता हूँ। पहले हम टेम्परेचर की बारी करते हैं,
तो स्क्रीन का टेम्परेचर 34 हो चुका है, बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं हुई है। मैंने आपको शुरू बताया था बहुत हल्की हल्की हीटिंग हो रही है नीचे की तरफ स्क्रीन में, तो फिर भी 1% के आसपास ही बढ़ी है। ऊपर थोड़ी सी टेम्परेचर की इशू देखने को मिलेगी आपको, 34 डिग्री टेम्परेचर हुआ है। जबकि बैक की बात करेंगे तो यहाँ पे भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा नहीं है, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है ये प्रोसेसर, बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू उसमें नहीं है। आपको बता दूँ कि रियलमी ने इसमें कूलिंग सिस्टम मुहैया करवाया है जिससे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, और क्योंकि ये नया प्रोसेसर जो है काफ़ी पावर एफिशिएंट भी है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बैटरी भी एक बार दिखा देता हूँ कि बैटरी भी बहुत जल्दी ड्रेन नहीं होती इस फ़ोन में। अगर आप गेमिंग खेल रहे हैं तो बहुत जल्दी से बैटरी ड्रेन नहीं होगी, कितनी ड्रेन हुई है देख लेते हैं। 33 मिनट गेमिंग के बाद एकदम हाईएस्ट सेटिंग पर और इतने बढ़िया डिस्प्ले के साथ अगर आप गेम खेल रहे हैं तो देख सकते हैं 93% बैटरी बची है 100 में से, 7% का सिर्फ ड्रॉप देखने को मिला है। और यहाँ पे मैं आपको इसका एंटीटू स्कोर रन करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने शुरू बताया था कि मैं बेंचमार्क स्कोर भी करूँगा। और अब बेंचमार्किंग की बात आती है, हालांकि आपको बता दूं कि ये एकदम फाइनल यूनिट नहीं है जो हमारे पास आया है, इसमें थोड़े बहुत अभी कुछ छोटे मोटे सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एंटीटू बेंचमार्क स्कोर फाइनली मैंने आपको दिखा दिया है जो कि है 5,72,752, काफ़ी पावरफुल बेंचमार्क स्कोर है इसका। और मैं आपको सब कुछ इसकी गेमिंग हीटिंग और बैटरी ड्रेन टेस्ट के बारे में बता चुका हूँ। अब आप मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या आप ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहेंगे, और हमेशा की तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ।